जानेंगे, देखेंगे किस तरीके से लिफ्ट का जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये देख सकते हो थर्ड फ्लोर रोलर को प्रेस करने से खाली हमारा मोटर ऑन हो रहा है, तो हम देखते हैं ऑन करके प्रेस करेंगे। देखिए, प्रेस करने के बाद भी हमारा कोई मूवमेंट नहीं है और ना मोटर चल रहा है ना कंट्रोलर चल रहा है। ठीक है, तो गाइस कॉन्ट्रैक्टर प्रेस करने के बाद देखिए ये हमारा लिफ्ट जो है चल रहा है। ठीक है, बाद जो है स्विच काम कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, कुछ सेकेंड के बाद टाइमिंग के बाद यहाँ पर देखिए इंडिकेटर शो हो रहा है और ये कंट्रोलर ऑन है। ठीक है, और हम आ जाते हैं यहाँ पर स्विच के पास। नए वाले को चेक किए, ये एनो पॉइंट में काम कर रहा है इस पोजीशन में, और ये नए वाले को लेके आते हैं। और हाय गाइस, कमलेश इलेक्ट्रिशियन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक दोस्तों आपको बताएंगे, यहाँ पर एक लिफ्ट है और लिफ्ट काफ़ी दिन से बंद हो गया है, तो ऊपर से सामान लोडिंग के लिए लिफ्ट लगाया गया है, आपको बता देते हैं। और जो लिफ्ट से हमारा चालू नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, दो तीन दिन से ये लिफ्ट जो प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग रिपेयरिंग करना है। देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ है लिफ्ट में, तो आपको दिखाते हैं। हम लोग सबसे थर्ड फ्लोर पे आए, यहाँ पर हमारा मशीन भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो आपको चैनल पे नहीं आया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कमलेश इलेक्ट्रिकल का वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो हम लिफ्ट को रिपेयरिंग करते हैं, क्या प्रॉब्लम है पहले इसका प्रॉब्लम ढूंढते हैं। पहले सबसे पहले आना रहता है हमारे कंट्रोलर के पास, तो चलो आपको दिखाते हैं। तो जानेंगे, देखेंगे किस तरीके से लिफ्ट का जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये देख सकते हो थर्ड फ्लोर तक हमारा ग्राउंड फ्लोर में हमारा लिफ्ट का ये पॉइंट है, और ये देखिए यहाँ पर आके रुक जाता है थर्ड फ्लोर पे। यहाँ पर देख सकते हो स्विच है, ये ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये ऑफ स्विच। ठीक है, कहीं भी अपने को ऑफ करना रहता है तो आपको बता देते हैं। यहाँ पर हमारा मशीन लगा हुआ है और चेक करते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ये लिफ्ट का जो है ये मटेरियल यूज़ ज़्यादा करते हैं, यहाँ पर माल जैसे दुकान रहता है ना, वहाँ का मटेरियल लोग को लेने के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, पब्लिक के लिए कम यूज होता है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर कंट्रोलर को ओपन, यहाँ पर डब्बा ऑन किए हैं, और आपको बता देते हैं यहाँ पर देखिए इसको मैनुअल पैनल बनाया गया है, जो कंपनी वाले ने जो काम किया गया है ना वो उसको मॉडिफाई करके बनाया गया, उसके टेक्निक के हिसाब से थ्री, ठीक है, डिजिटल नहीं होता, इसको बनाया गया। और ये देख सकते हो यहाँ पर सूखा स्टार्टर एक, और ये टाइमर है जो हमारा कंट्रोलर रिले को ऑन करने के लिए। उसके बाद देखिए ये हमारा मेन एमसीबी है, तो हम लोग ऑफ करके एक बार ऑन करके देखते हैं, ये रिले टाइमिंग है और स्टार्टर ऑन होगा, उसके बाद आपको चेक करके दिखाएंगे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया था लिफ्ट का जो है स्विच जो है ऊपर नहीं आ रहा है, जैसे कि ये देखिए कंट्रोलर को प्रेस करने से खाली हमारा मोटर ऑन हो रहा है, तो हम देखते हैं ऑन करके प्रेस करेंगे। अभी हमारा ये स्टार्टर चालू होगा, कुछ सेकंड के बाद टाइमिंग लगाया, चालू होने के बाद आपको बताएंगे। यहाँ पर प्रेस करके देखेंगे और इसको आपको चेक करके बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। तो चलो ये हमारा यहाँ से सप्लाई आ रहा है, देखते हैं ये चालू हो चुका, टाइमिंग ऑन हो, और ये देखिए यहाँ पर कुछ भी इंडिकेटर शो करने के लिए कुछ दिया नहीं गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर स्विच ऑन ऑफ करके, तो यहाँ पर हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है और सेकंड थर्ड फ्लोर का दबाते हैं, यहाँ पर मार्क नहीं, आपको मार्किंग कर देते हैं। तो स्विच को ऑन करके देखते हैं, यहाँ पर हम लोग मार्किंग कर दें आपको बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मार्किंग नहीं था। थर्ड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर, और ये हमारा लिफ्ट जो है ग्राउंड फ्लोर पर। ठीक है, तो हम थर्ड फ्लोर का स्विच प्रेस करते हैं, और ये टू फ्लोर भी देख लिए, वन भी डाल के चेक। देखिए प्रेस करने के बाद भी हमारा कोई मूवमेंट नहीं है और ना मोटर चल रहा है ना कंट्रोलर चल रहा है। ठीक है, तो ये स्टॉप बटन को भी देख लेते हैं प्रेस ऑन करके, ये सही है। और देखते हैं यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं, कुछ भी कॉन्ट्रेक्टर काम नहीं कर रहा है, यहाँ से भी ऑन नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं, जब स्विच से काम नहीं आएगा तो अपने को मेन पैनल पर आ जाना है, और देखते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टर है और अपने पास रिले मॉडल है। ठीक है, तो सब रिले लोग को देखते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, और उसके पहले आपको बता देते हैं एक मल्टीमीटर चाहिए अपने को ये कॉन्ट्रेक्टर को चेक करने के लिए। ठीक है, हम लोग टेस्टर से चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने को यहाँ पर थ्री फेज का सप्लाई जाता है मोटर पर, तो अपने को कॉन्ट्रेक्टर से अपने को सप्लाई चेक करना है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टर काम कर रहा है नहीं, और उस हिसाब से तो हम क्या करते हैं, पहले हम दो यहाँ पर बोला गया था ये कॉन्ट्रेक्टर दबाने के बाद मोटर ऑन हो रहा है, तो पहले चेक कर लेते हैं इसको, ऐसे ही प्रेस करते हैं इसको, और उसके बाद देखते हैं मोटर हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं। तो हमारा दो कॉन्ट्रेक्टर है, एक हमारा
ये कॉन्टेक्टर को प्रेस करते हैं तब मोटर ऑन हो रहा था। तो गाइस कॉन्टेक्टर प्रेस करने के बाद देखिए ये हमारा लिफ्ट जो है चल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मोटर चल रहा है और मतलब ये लिफ्ट ऊपर भी आ रहा है। तो आपको दिखाते हैं, जैसे ये कॉन्टेक्टर छोड़ देते हैं ना, ये कॉन्टेक्टर जैसे छोड़ते हैं वहाँ से, तो ये जो है मोटर बंद हो जा रहा है। देखिए लिफ्ट को आपको दिखाता हूँ, लिफ्ट कुछ ही दूर पे आया है, देखिए ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आया और ये रुक गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर स्विच काम कर रहा नहीं। देखिए यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का दबाए में, तो ये जा रहा है ग्राउंड फ्लोर की ओर। तो मतलब कॉन्टेक्टर दबाने के बाद जो है स्विच काम कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है अभी ढूंढते हैं इसको। अभी जाने दो ग्राउंड फ्लोर पे और उसके बाद थर्ड फ्लोर का स्विच ऑन करते हैं। ये देखिए ग्राउंड फ्लोर पे चले गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड फ्लोर का प्रेस करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर काम नहीं आ रहा है, थर्ड फ्लोर बिल्कुल काम नहीं आ रहा है, ना दूसरा फ्लोर आ रहा है, ना फर्स्ट फ्लोर आ रहा है, ना ग्राउंड फ्लोर। तो देखिए कॉन्टेक्टर को प्रेस करने के बाद जो है ये काम कर रहा है। तो हम लोग फिर इसको नीचे भेज दिए और कॉन्टेक्टर को एक बार और प्रेस करके देखते हैं। देखिए कॉन्टेक्टर जैसे प्रेस किए और ये देखिए यहाँ पर मोटर फिर से ऑन हो गया। तो हम लोग उसको चलने देते हैं कुछ देर और देखते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पहले ऊपर लाने देते हैं। तो गाइस प्रेस करने के बाद कंटिन्यू हमारा मोटर तो चल रहा है, उसके बाद छोड़ने के बाद फिर से बंद हो गया, मतलब ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा है। और उसके बाद अभी एक बार और प्रेस करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिफ्ट बीच में आने के बाद फिर से हम लोग छोड़ दिए उसको, कंट्रोलर कॉन्टेक्टर को छोड़े, उसके बाद लिफ्ट फिर से बंद हो गया। और यहाँ से हम लोग कोई सा भी बटन प्रेस करेंगे ना, थर्ड फ्लोर का, टू फ्लोर का और वन फ्लोर कहीं भी का प्रेस करेंगे ना, तो ये जाएगा सीधा ग्राउंड फ्लोर पे। तो प्रॉब्लम जो है कहाँ पर है अभी तो मिल नहीं रहा है, तो हम लोग इसको ढूंढ लेते हैं। और ये देखिए प्रेस करें जैसे, और ये ग्राउंड फ्लोर तो चले गया, थर्ड फ्लोर भी दबाते तो ये जो है ग्राउंड में जाता, तो अभी देखिए ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा है। देखिए यहाँ पर प्रेस किए, उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से ये मशीन बंद हो गया, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर रिले लोग कॉन्टेक्टर तो चल रहा है, यहाँ पर ये दोनों कॉन्टेक्टर काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से अपना जो है प्रेस करने के बाद चल रहा है, मतलब कॉन्टेक्टर से हमारा सप्लाई जा रहा है थ्री फेज का, तो तब ये मोटर चल रहा है। तो हमारे पास रिले है ऊपर में, तो हम लोग रिले को देखते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम है रिले में थोड़े, तो कॉन्टेक्ट से यहाँ पर काम नहीं आ रहा, तो रिले लोग को निकालते हैं बाहर। पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पर रिले ये सब बाहर निकालते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए गाइस सबसे पहला रिले में क्या प्रॉब्लम है आपको नीचे दिखाता हूँ। एक दो और रिले है वहाँ पर, एक दूसरा भी खोल लेते हैं और चेक करके देखते हैं यहाँ पर रिले लोग क्या प्रॉब्लम है। ये पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से शॉर्ट होने के बाद पॉइंट काम करता है ना, तो देखिए इसको जो है हम लोग चेक करते हैं मल्टीमीटर से। तो आपको ये तो आपको देखने से समझ आ जाता है किस तरीके से ये ख़राब हुआ है, नहीं हुआ है, वायर जल गया कैसा है। तो एक रिले तो ख़राब तो नहीं हुआ है। उसके बाद देखते हैं ये काला लग रहा था अभी कुछ देर पहले हम लोग निकाले तो बहुत काला दिख रहा था, ये कौन ख़राब नहीं है। तो देखते हैं एक और खोलें हम लोग, ये सबसे पहले नंबर का है। ये देखिए ये वाला हमारा जो है रिले प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, तो यहाँ पूरा मेल्ट होके वायर लोग जल गया है। इसको हम लोग बाहर करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर सुई पॉइंट है, उसको बाहर कर सकते हो आप। बाहर निकालने के बाद इस तरीके से इंटरफेस है और ये काम करता है इस तरीके से, यहाँ पर ये जो है प्लेट लॉक में टच होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एक पूरा कॉइल जो है मेल्ट हो गया है, एक मेल्ट हो गया, इसीलिए यहाँ पर इंडिकेटर शो नहीं हो रहा है। तो ये जो है मार्केट पर अवेलेबल रहता है, आप परचेस कर सकते हो, इसका देखता हूँ मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। ये देखिए रिले का पॉइंट, इसका मॉडल नंबर सब मेंशन किया है। तो आपको बता देते इसका मॉडल नंबर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो। और ये जो है यहाँ पर मॉडल नंबर मेंशन है। और ये बता देते हैं ये हमारा एसी से रन होता है 250 वोल्ट एसी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये डीसी से भी होता है 48 वोल्ट से, ठीक है। तो ये डीसी से एसी से दोनों से रन होता है। मैंने पहले से इसको मंगा के रखा था दुकान वाले ने और ये तीन पीस नया पीस रखे हैं और देखते हैं यहाँ का जो है कैसा कंडीशन है नया में। तो ये देखिए
इस तरीके से नया में कंडीशन रहता है, ये कॉइल बिल्कुल जले नहीं रहता है, फ्रेश रहता है, ठीक है। तो ये हमारा एक जला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक को नया डालेंगे और ये तो सही लग रहा है अपने को, तो इसको हम लोग दोनों को फिर से लगा लेते हैं और चेक करके देखते हैं चालू होता है कि नहीं हमारा लिफ्ट। और इसको लगाना बहुत आसान है, यहाँ पर अपने को जी मार्क है लेवल, देखिए यहाँ पर उसको देखना है अपने को, उस हिसाब से अपने को ढांचे के हिसाब से बैठाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा इंटरफेस और ये देखिए ऐसा प्रेस करना है और ये देखिए वहाँ पर इंडिकेटर शो हो गया, उसमें बल्ब है और दूसरे वाले को भी लगाते हैं। इसमें हमारा पहले का पुराना वाला तो इसमें बल्ब नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए वहाँ पर बल्ब इंडिकेटर जल रहा है और उसके बाद देखते हैं हमारा मोटर ऑन होता है कि नहीं। हम लोग स्विच प्रेस करते हैं यहाँ पर, तो थर्ड फ्लोर लिफ्ट को बुलाते हैं, ठीक है। देखिए अभी भी हमारे को लग रहा है प्रॉब्लम है, थर्ड फ्लोर काम नहीं आया, टू फ्लोर दबाए तो ये जा रहा है सीधा ग्राउंड फ्लोर की ओर, देखिए ये जा रहा है ग्राउंड फ्लोर के अंदर। तो कोई सा भी स्विच जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और ये दबाने के बाद देखिए फिर से कुछ देर के बाद ये ऑफ हो गया, फिर से बीच में जाके बंद हो गया, तो लग रहा है और कुछ अलग और प्रॉब्लम होगा। एक तो चेंज करने के बाद तो काम कर लिया, फिर इंडिकेटर अभी फिर से ऑफ हो गया। तो हम लोग यहाँ पर सप्लाई चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या प्रॉब्लम। देखो कॉन्टेक्टर में हम लोग यहाँ पर वोल्ट पे रखें और कॉन्टेक्टर में जो सप्लाई जाता है ना वहाँ पर हम लोग लगा के देखें, ठीक है। तो हमारा सप्लाई सही से जा रहा है, देख सकते हैं वो तो सही है। ये हम लोग दूसरे वाले को चेक किए थे, ये भी सही है, उसके बाद दूसरे में चेक करते हैं और यहाँ से तो हमारा सप्लाई जा ही रहा है, तब मोटर ऑन हो रहा है दबाने के, ये ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा है स्विच से। तो हम देखिए वहाँ पर रिले में, तो देखिए यहाँ पर सप्लाई जा रहा है और देखते हैं उसके बाद नीचे दूसरे पे लगाते हैं। ये वाले पॉइंट में चेक कर लेते हैं, दूसरे वाले पॉइंट में, दूसरे में भी चेक कर लिए हम लोग, तो यहाँ पर हमारा सप्लाई जा रहा है, देख सकते हो 219, ठीक है। तो दोनों सही तरीके से सप्लाई जा रहा है हमारा कॉन्टेक्टर पे, तो ये जो है आउटपुट से भी हमारा मोटर ऑन हो रहा है। तो और क्या प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर, और चेक कर लेते हैं एक दो, तो यहाँ से हमारा सप्लाई जा रहा है, ठीक है, इसको बाहर कर लेते हैं हमें। तो यहाँ पर चेक करने के बाद कंट्रोलर पे पूरा काम कर रहा है हमारा कंट्रोलर, प्रेस करने के बाद चल रहा है। और एक बार हम लोग इसको प्रेस करके और देखते हैं एक बार, तो देखिए यहाँ पर प्रेस करने के बाद हमारा मोटर ऑन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बीच में छोड़ दिए, उसके बाद देखिए एक रेड इंडिकेटर चालू हो गया, ठीक है। तो ये अभी स्विच दबाएंगे तो ये डायरेक्ट जाएगा ग्राउंड फ्लोर के नीचे। तो देखिए हम लोग सेकेंड थर्ड फ्लोर पे ही दबाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जा रहा है ग्राउंड फ्लोर के अंदर। तो अभी तक हमारे को प्रॉब्लम नहीं मिला। उसके बाद और एक छोटा सा हमारा चेक करना बचा हुआ है, यहाँ पर हमारा पास है लिमिट स्विच, देख सकते हो वहाँ पर लिमिट स्विच है हमारे पास, ठीक है। ये लिमिट स्विच है, ये हमारा जितना भी स्टेयर पे रहेगा तो वो पॉइंट में रहेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ अपने को रोकना है ना लिफ्ट को, तो लिफ्ट रुकता वहाँ से लिमिट स्विच से, ये लिमिट स्विच हमारा काम आता है रोकने का लिफ्ट। तो जहाँ पर सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर उसको सेटअप करना पड़ता है, उस हिसाब से ये काम करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट स्विच चेक करेंगे काम कर रहा है कि नहीं। एक हम अपने को लग रहा है ये सीधा है और एक दो और देखें यहाँ पर, तो सब सीधा दिख रहा है अपने को, ठीक है। एक ही पीस यहाँ पर टेढ़ा लग रहा है अपने को, ये लिमिट स्विच, ठीक है, वो आप देख रहे हो वहाँ पर जो है लिमिट स्विच है। तो हम उसको देखते हैं, उसको सीधा करके उसके बाद देखेंगे क्या होता है यहाँ पर। तो गाइस देखते हैं वहाँ पर हमारा लिमिट स्विच है और अपने को पहुँचना तो हाथ तो नहीं पहुँचेगा, तो हम एक डंडा लेके आए और ये लिमिट स्विच को नीचे करते हैं। इस तरीके से लिमिट स्विच रहेगा, ठीक है। ये लिमिट स्विच को हम लोग नीचे बीच पे रख दिए सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे रख दिए, ये भी सेंटर पे है लिमिट स्विच। और उसके बाद देखते हैं, खासकर ये भी प्रॉब्लम रहता है लिमिट स्विच के कारण, जो हमारा लिफ्ट ऊपर नहीं आता ना नीचे नहीं आएगा, और नीचे तो जा रहा है फिर ऊपर आने के लिए दिक्कत जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं ये लिमिट स्विच को हम लोग रख दिए और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर प्रेस करके स्विच, स्विच को सीधा रखने के बाद देखते हैं यहाँ पर थर्ड फ्लोर का स्विच प्रेस करते हैं हमारा लिफ्ट आता है कि नहीं और ये बना कि नहीं। तो गाइज यहाँ पर देखिए प्रेस करने के बाद हमारा मोटर ऑन हो चुका और लिफ्ट जो है आ रहा है ऊपर। तो लग रहा है अपने को ये लिमिट स्विच जो है उसी का प्रॉब्लम है। तो देखिए ये हमारा जो है लिफ्ट ऊपर आ रहा है।
देखिए जैसे कि हम लोग लिमिट स्विच को सीधा रखे ना, उसके बाद हम लोग थर्ड फ्लोर का प्रेस किए, ये उतना समय से नहीं चल रहा था। ये दबाने के बाद जो है लिमिट स्विच क्या करता है, सप्लाई को काट देता है ना, तो यहाँ से हमारा जो है ये स्विच से देखते हैं हमारा लिफ्ट देखिए आ चुका है यहाँ पर। तो देखिए ये जो है लिमिट स्विच प्रेस करने के बाद ऊपर आ गया। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर लिमिट स्विच है, तो लिमिट स्विच जो है टेढ़ा था, ठीक है। तो इस कंडीशन में रहेगा ये जो है प्लेट लगा यहाँ पर, ये टच होता है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर और एक लिमिट स्विच है, ये क्या करता है सबको सिग्नल देता है। यहाँ पर टच होगा तो ये जो है यहाँ पर आके लिफ्ट हमारा रुक जाएगा। तो खासकर ये लिमिट स्विच जो है ये भी ख़राब रहता है, क्योंकि स्टॉपेज स्विच काम करता है, क्योंकि स्टॉप करता है ना हमारा ये को, तो ये स्टॉपेज स्विच भी ख़राब हो सकता है। लिखा है लिमिट स्विच बोला जाता है इसको, खासकर स्टॉपेज स्विच भी बोल सकते हो। तो देखिए इसको सीधा किया है तो ये हमारा लिफ्ट ऊपर आ गया। उसके बाद देखते हैं ग्राउंड फ्लोर प्रेस करके यहाँ से चालू होता है कि नहीं। हम लोग सेकेंड फ्लोर कर लेते हैं। देखिए ये दे टू फ्लोर पे दबाएं तो यहाँ पर जा रहा है नीचे लिफ्ट। उसके बाद एक बार और ऊपर ला के देखेंगे ये काम करता है कि नहीं। देखिए लिफ्ट जो है मैं दूसरा फ्लोर दबाए ना दो नंबर फ्लोर पे, तो ये चले गया फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। तो अभी भी मेरे को डाउट लग रहा है, देखिए यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम हो गया। जो लिमिट स्विच है ना वो सीधा हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक, फिर से टेढ़ा हो गया। देखिए ये लगा और ये फिर से टेढ़ा हो गया। तो इसको जो है पूरा सीधा रखना है ऐसा, जैसे कि नीचे उतरा लिफ्ट ना ऐसा सीधा ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। तो हम इसको देखते हैं, ये वाले पीस मंगा के इसको चेंज करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कैसा होता, ठीक है। ये जो समझ रहे हो यहीं से प्रॉब्लम हो रहा है हमारा लिमिट स्विच से, क्योंकि उसको सीधा करने के बाद सब काम कर रहे थे। इसको एक बार और सीधा करके देखते हैं। देखिए थर्ड फ्लोर का जो मैं स्विच प्रेस कर रहा हूँ हमारा मोटर ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। देखिए प्रेस करने के बाद ऑन ही नहीं हो रहा, तो अभी क्या करता हूँ वो जो है लिमिट स्विच को मैं सीधा कर देता हूँ, ठीक है। देखिए सीधा कर दिया मैं इसको डंडे करके, और उसके बाद देखता हूँ थर्ड फ्लोर पे बुला के लिफ्ट को आता है कि नहीं। देखिए तो ये देखिए यहाँ पर हमारा मोटर फिर से ऑन कर दिए और ये थर्ड फ्लोर पे आ रहा है। तो अपने को पता चल गया 100% ये लिमिट स्विच का जो प्रॉब्लम है, तो अपने को वो सब मंगा के चेंज करना है, ठीक है। दो रीज़न था यहाँ पर हम लोग चेंज किए, एक रिले स्विच, ठीक है, रिले स्विच चेंज किए और उसके बाद लिमिट स्विच चेंज करेंगे। तो लिफ्ट को आने दो और जाके उसको चेक करते हैं और उसको ओपन करते हैं। देखिए लिफ्ट आ गया थर्ड फ्लोर पे और सबको बंद कर देते हैं अभी और वो चेक करने जाएंगे। एमसीबी से पहले बंद कर देते हैं, ठीक है, और वो सब तो मशीन कंट्रोलर के पास एमसीबी है उसको बंद कर दिए। उसके बाद आते हैं और इसको हम लोग चेक करते हैं और इसको जो है खोलते हैं बाहर, क्योंकि बहुत डस्ट हो गया है बाहर में ना, तो प्रॉब्लम होता ही रहता है। तो इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं अभी। देखिए गाइस यहाँ पर है ये जो है स्विच, ये काम करता है एनओ और एनसी का, ठीक है, एनओ एनसी दोनों काम करता है ये। और आपको बता देते ये जो है प्रॉब्लम चेक कैसे करना है, यहाँ पर कुछ ये नहीं है, ये देखिए ऐसा प्रेस करना है इसको और यहाँ से अपने को चेक करना है स्विच को। ये लिमिट स्विच चेक करना काफ़ी आसान है, इसके लिए मल्टीमीटर कंटिन्यूटी करना है और ये जो है देखिए स्टेप के रहेगा, ये जो है हमारा ऑफ पोजिशन है, ये ऑन पोजिशन है, ठीक है। लिमिट स्विच और इसका नंबर है देखिए 8108, ठीक है, और ये एन ओ एन सी, ठीक है, एन ओ एन सी हमारा स्विच है। और ले आए और इसको रख देते हैं कंटिन्यूटी पे, ठीक है, और इसको इस पोजीशन पे रहने देते हैं। ये देखते हैं इसका पोजीशन, देखिए ये पोजीशन में भी अभी हम ऑन करके देखते हैं, अभी बंद नहीं रहा अपने को। देखिए ये ऐसे सीधा रहने से चालू रहता है, ठीक है, कंटिन्यूटी। और इसके बाद देखिए ये जो है इस पोजीशन में था ना, तो हमारा इसीलिए ऑन नहीं हो पा रहा था, इस पोजीशन में था ये, तो ये देखिए ये हमारा शो नहीं कर रहा, ठीक है। इसको हम लोग सीधा करेंगे ना ये शो करेगा, तो ये ऑटोमेटिक ये जो है ना ऊपर नहीं जा पा रहा था। अभी देखिए क्या किए, इसका एक नया पीस मंगवाया है
एक दो लोग पूछे सामने वाले को, घर वाले को, तो क्या बोला गया, हमारे पास एक स्विच था तो हम उसको मंगवाए हैं, आपको दिखाते हैं लाने के बाद। नया वाला पीस आ चुका और ये देखते हैं यहाँ पर जो है वैल्यू सेम है क्या। तो देख सकते हो लिमिट स्विच 8108, तो ये वैल्यू सेम है और इसको जो हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं नया वाले को। और ये ये नया पीस है और पुराने पीस यहाँ पर है, ठीक है। सुविधा देखिए, ये हमारा एनो काम कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर टच कर रहे हैं ना, तो ये एनो पॉइंट पे काम कर रहा है, तो ये एनो ही होता है। ये प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ पर लटक रहा था, इसको खोलने के बाद सही काम कर रहा है, ये ऐसे लटकना नहीं चाहिए बीच में, तो ये एनो पॉइंट पे रहेगा ऐसा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ सप्लाई जाएगा हमारा, जैसे बीच में आ जाएगा, सेट हो जाएगा ना ये, जैसे कि ये सेट कर देते हैं अपन इसको जो है, इसको ऐसे हल्का सा झुका देते हैं ना, तो ये टर्मिनल छोड़ देगा, ठीक है। तो हमारा एनसी हो जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो एनसी हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा तो एनओ रहेगा। तो चलो हम लोग इसको इंस्टॉलेशन करते हैं नए वाले को और देखते हैं लिफ्ट कैसा सही तरीके से। काफ़ी आसान है, यहाँ पर दो टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल पर वायर लगाना है, तो लगा लेते हैं हम लोग क्योंकि आज अकेले ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों वायर को जोड़ दिए और काफ़ी आसान है, यहाँ पर दो नट बोल्ट दिया गया है, एक टर्मिनल यहाँ लगाएंगे एक यहाँ, तो ये काफ़ी आसान तरीके से ये इंस्टॉलेशन हो जाता है। प्रॉब्लम होता है जैसे कि लिफ्ट प्रॉब्लम होने से पहले इसका फॉल्ट ढूंढने में टाइम लग जाता है, तो अपने को इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद देखते हैं लिफ्ट कैसा काम करता है हमारा। फाइनली आप देख सकते हो लिमिट स्विच हम लोग लगा दिए और ये देखते हैं यहाँ पर इस तरीके से पोजिशन में है। और आज जाके देखते हैं अभी मोटर कंट्रोलर ऑन करके, एमसीबी ऑन करके चेक करते हैं। सबसे पहले आते हैं एमसीबी ऑन कर लेते हैं और कुछ सेकंड के बाद यहाँ पर स्टार्टर हमारा चालू हो जाएगा। तो देखिए लाइट ऑन हो गया और हम आ जाते हैं यहाँ पर हम स्विच के पास और देखते हैं ये हमारा है ग्राउंड फ्लोर पे, तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो हम इसको ट्राई करके देखते हैं दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो गाइस देखिए ये काम कर रहा है, ये दूसरा नंबर प्रेस किए हैं और देखते हैं दो नंबर पे जाके रुकता है कि नहीं। तो लिमिट स्विच जो है ऐसे सीधा है हमारा, देखिए पहले टेढ़ा हो जाता था और ये सीधा है अभी, तो हम देख रहे हैं। देखिए हम लोग दो नंबर पे प्रेस किए, दो नंबर पे उतर गया, उसके बाद फिर रिटर्न हम लोग बुलाते हैं ऊपर। तो अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर प्रेस किए हैं, ये ग्राउंड फ्लोर हम लोग प्रेस किए हैं, ग्राउंड फ्लोर जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग स्विच ऑन करके मोटर रन हो रहा है अच्छे से, अभी चल रहा है, ये देखते हैं कॉन्टेक्टर। देखिए ग्राउंड फ्लोर पहुंच गया और ये मशीन बंद हो गया। फिर हम उसको थर्ड फ्लोर प्रेस करते हैं, देखिए थर्ड फ्लोर ले आए और ये थर्ड फ्लोर आता है कि नहीं। अभी देखते हैं मोटर हमारा फिर से चालू हो गया और ये सीधा और उल्टा चलता है ना, तो यहाँ पर रोलर है, तो ये देखिए ऊपर और नीचे जो है कॉन्टेक्टर यहाँ से काम करता है। देखिए लिफ्ट आ रहा है, तो ये देखिए ये आता है कि नहीं थर्ड फ्लोर पे। और ये हमारा जो है लिमिट स्विच कैसा काम करता है देखते हैं, आने के बाद ये रुक जाना चाहिए, ठीक है। नहीं रुकने से पता चल जाएगा ये प्रॉब्लम है, हल्का सा झटका दे रहा है। देखते लिमिट से जाने का, देखिए गाइस ये हमारा स्टेप रुक चुका और देखिए यहाँ पर ऐसा काम करता है, ये देखिए ये स्विच यहाँ पर आके टच हुआ और ये देखिए जो लिमिट स्विच यहाँ पर टच हुआ ये फ्लोर पे रुक गया, थर्ड फ्लोर पे। तो ये जो है हमारा प्रॉब्लम था स्विच का, जो लिमिट स्विच था उसी का प्रॉब्लम था, तो हम उसको चेंज किए एक, और दूसरा जो हमारा यहाँ पर रिले, एक छोटा सा रिले था ऊपर पे, तो वो चेंज किए। देखिए वो इंडिकेटर जल रहा था, वो पहले नहीं चालू हो रहा था, शो भी नहीं कर रहा था, पता भी नहीं चल रहा था, तो अभी जो है अच्छे से काम कर रहा है। तो गाइज़ वीडियो कैसा था आज के टॉपिक में आपको समझ आएगा किस तरीके से लिफ्ट आप भी इलेक्ट्रिशियन बंदे हो तो रिपेयरिंग कर सकते हो, प्रोफेशनल इसके लिए नहीं चाहिए, कोई भी बंदा जिसको नॉलेज है वो आके इसको बना भी सकता है, तो आप भी यहाँ पर रिपेयरिंग कर सकते हो। इसका पूरा वीडियो आप देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं तो समझ नहीं आया होगा आपको, देखना कैसा क्या चेक किए उसके बाद इसको हम लोग को फॉल्ट समझ आया।
तो गाइज वीडियो पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कमलेश इलेक्ट्रीशियन का वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।